बुर्ज खलीफा की सबसे पहली पहचान उसकी ऊंचाई है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है जिसका ऊंचाई 828 मीटर है। ये एफिल टावर से 3 गुना ऊंचा है। जब इस इमारत को बनाया गया था तब इसे बुर्ज दुबई या खलीफा टावर के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया। बुर्ज खलीफा के नाम में एक नहीं बल्कि 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंचा लिफ्ट, सबसे ज्यादा मंजिल जैसे रिकॉर्ड शामिल है। जाहिर सी बात है कि जब बिल्डिंग ऊंची हो तो उसे दूर से भी देखा जा सकता है, लेकिन इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई इतनी है कि यह 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण सूर्य को ज्यादा समय तक दिखाई देता है और सूर्यास्त बहुत देर से होता है। इसकी वजह से यहाँ मौजूद लोगों को रमजान के दिनों में अधिक समय तक भूखा रहना पड़ता है। इस टावर को बनाने के लिए 12,000 मजदूर दिन रात काम किया है। बुर्ज खलीफा को हर दिन लगभग 9,46,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है और एक दिन में जितनी बिजली उपयोग की जाती है उससे 100 वाट के लगभग 3,60,000 बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। इसकी डिजाइन को बनाने के लिए हाइमोनोकलिस नाम के फूल से प्रेरणा ली गई है। उसी फूल की तरह इसकी डिजाइनिंग को बनाया गया है। जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनाई गई है वहाँ पहले मिलिट्री कंपाउंड हुआ करता था। बुर्ज खलीफा के चारों ओर झील फैली हुई है जो इसकी खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा देता है। इस बिल्डिंग से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। बुर्ज खलीफा के अंदर एक समय में लगभग 35,000 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था होती है। बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी मंजिल का तापमान लगभग ग्राउंड लेवल से 6 डिग्री कम होती है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंकड़ी का उपयोग किया गया। इसके लिए 5 A380 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर एल्यूमिनियम और 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर कंकड़ियों का उपयोग किया गया है। इस बिल्डिंग पर आलिशान स्विमिंग पूल है और रेस्टोरेंट भी है। यह स्विमिंग पूल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान पे बना हुआ स्विमिंग पूल है जो कि बुर्ज खलीफा के 76 मंजिला पर स्थित है।